कुछ मत कहिए, प्लीज मेरे सामने सच जाइए। ओके अभी एग्जाम हमारी मान लीजिए दोनों का, इन दोनों का अभी थोड़ा सा एक खाता का प्रॉब्लम। क्या हुआ क्या तुमको? ओके ओके जी, बस आप इस वक्त मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। दादी क्या हुआ? कुछ क्या सोच रहे आप? युवराज के बारे में। अच्छा, तो व्यू के बारे में सोचने पर स्माइल कर रहे थे आप? आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं के बारे में सोच के अपने आप मुस्कुरा कर। अच्छा भाभी, मेरे बाल बचाने के लिए। और हाँ, आई एम वेरी सॉरी, आज की बात ना मैं कभी आपसे झगड़ा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं गौरी, करते हो क्योंकि आप दोनों दूसरे से इतना प्यार करते हो, है ना? हाँ। तो मतलब आप उनके बारे में सोचकर स्माइल कर रहे थे? मतलब अगर आप किसी ऐसे के बारे में सोचो और उसको सोचकर आपको स्माइल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके लिए सबसे खास है। जब भी आप अपनी आंखें बंद करोगे ना तो सुनो ना, आई क्या पैटर्न का नहीं।
स्माइल मत कर, थॉट ले, भाइयों की याद आई। आप स्माइल कर। के बारे में सोचा कैसे वो हेल्प करता था, सेल्फी, टीचिंग, स्माइल, सब फ्लैशेज आ रहे, आंखें खोल। एक्शन पे बंद करना। स्पेशल पर्सन तुम्हारे लिए वही होता है। अगर वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे वो तुम्हारे लिए स्पेशल हो जाता है। उसी की फोटो आज बन पर अजित मुझे प्यार नहीं करेगा क्योंकि अजित मुझे प्यार नहीं करेगा क्योंकि उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? गौरी का सीन है इसलिए गौरी बताएगी। वेल, अभी जैसे आपको देख रहा है मेरा मेकओवर हो गया है, मेरे बाल सारे कर्ल हो गए हैं, मेरा मेकअप हुआ हुआ है। सो बेसिकली गौरी का मेकओवर हो गया, उसकी भाभियों ने अच्छे से उसको तैयार व्यार करके ऐसी चेंज के लिए उसको कराया है। प्लस अभी आई थिंक गौरी प्यार के लेसन्स ले रही है सुहानी से, उसके और युवराज के बारे में पूछ रही है कि क्या क्या करते थे, कैसे प्यार हुआ एंड ऑल दैट। सो बेसिकली ये भाभी ननद सीन है ये, सो लेट्स सी व्हाट द भाभी हैज टू से नाउ। सुहानी जी क्या टिप्स देने वाले हैं आप उन्हें प्यार की? प्यार जैसे मेरा युवराज का प्यार हुआ था कि कब प्यार हो गया मुझे भी पता नहीं चला, कब वो गुस्से सड़ू सा इंसान मुझे अच्छा लगने लगा, तो प्यार बस वही जो जो हुआ वही बता रही थी। क्या आपको तो सब पता है उनके प्यार के बारे में, जो उनके टीचर बने थे उनको शायद से उनसे प्यार हो गया। अभी हम जो देख रहे थे सीन यहाँ पे वो गुस्से में अंदर आ रहे थे, वो सीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो सीन के पहले भी कुछ सीन हुआ है, मतलब मुझे नहीं पसंद है कि आदि इस घर में आया और गौरी को पढ़ाया या आदि या गौरी का कोई रिश्ता हो, इसके लिए मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम प्लीज़ घर से बाहर निकल जाओ। पर गौरी को आई थिंक उसकी कंपनी अच्छी लगती है, तो जब भी यू नो शी इज ऑलवेज हैप्पी विद हिम, पढ़ा रहा हो कुछ कर रहा हो उसको अच्छी लगती है उसकी कंपनी। प्यार व्यार उसको उसकी तरफ से है कि नहीं वो नहीं पता, बट या शी लाइक्स द कंपनी। बट हाँ अभी प्यार की बातें पूछ रही है तो शायद कुछ एंगल आगे निकाल ले, कुछ पता नहीं। एंड देन लेट्स सी भाभी सपोर्ट करती नहीं करती, क्योंकि अभी इफ़ शी इज़ वेरी मच अगेंस्ट कि आदित्य को गौरी से दूर रहना चाहिए, फिर पता नहीं मेरा रिश्ता होने भी दे गया नहीं। सो आगे इस शो में सुहानी से एक लड़की मूवी स्टंट्स और भी आने वाले हैं, वो तो आते ही रहते हैं हमेशा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और हमें ऐसे प्यार देते रहना पड़ेगा। सो अपने दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं और प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए। यस एंड कीप वॉचिंग सुहानी से लड़की। बाय, टेक केयर, थैंक यू।